हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आज हम आपको ट्रांसफर फंक्शन के विषय में पढ़ाएंगे। तो यहाँ इस टॉपिक में आपको हम बताएंगे कि व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, मींस डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की सहायता से ट्रांसफर फंक्शन निकालना। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ट्रांसफर फंक्शन के विषय में पढ़ाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन निकालना बताएंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट फंक्शन टू द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट फंक्शन एजम्पशन दैट ऑल इनिशियल कंडीशन आर जीरो। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आया है कि लीनियर सिस्टम होना चाहिए। ये देखिए लीनियर सिस्टम क्या होता है, लीनियर सिस्टम वह सिस्टम होता है जो सुपर पोजिशन थियरम को फॉलो करता है। उसके आगे आया है टाइम इनवेरिएंट। ये देखिए लीनियर सिस्टम के बाद टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होना चाहिए। टाइम इनवेरिएंट क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो टाइम के साथ वेरी न करे। और देखिए यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से देखिए एमथ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जा चुका है। तो यहाँ से देखिए हम इसे कैसे, यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि हमारा एक सिस्टम क्या है, जी ऑफ टी है, यहाँ से सिस्टम हमारा जी ऑफ टी है, यहाँ से इनपुट जो दिया गया है आर ऑफ टी है, इनपुट को ही ड्राइविंग फंक्शन कहते हैं। और यहाँ से देखिए आउटपुट है, इसे हम क्या कहते हैं, सी ऑफ टी, इसे ट्रांसफर फंक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो हमने इनपुट दिया वह कैसा इनपुट होना चाहिए, यहाँ से जो इनपुट होगा वह लीनियर सिस्टम होना चाहिए। और यहाँ से लीनियर सिस्टम हो, टाइम इनवेरिएंट हो और डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो देखिए यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया गया है, तो यहाँ से क्या है, बी एम डी के पावर एम ओवर डी टी पावर एम इंटू आर ऑफ टी प्लस बी एम माइनस वन इंटू डी के पावर एम माइनस वन ओवर डी टी के पावर एम माइनस वन प्लस सोसोसवान यहाँ से बी वन डी ओवर डी टी इंटू आर ऑफ टी प्लस बी नॉट इंटू आर ऑफ टी। ये क्या है, आपका इनपुट है। यहाँ पर आपने इनपुट दिया और यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ से बी क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ से आउटपुट क्या मिला, सी ऑफ टी। तो देखिए यहाँ से ए एन डी के पावर एन ओवर डी टी पावर एन इंटू सी ऑफ टी प्लस ए एन माइनस वन डी के पावर एन माइनस वन ओवर डी टी के पावर एन माइनस वन इंटू सी टी प्लस सोसोसवान अप टू ए एन डी ओवर डी टी सी ऑफ टी यहाँ से प्लस ए नॉट इंटू सी ऑफ टी। ये देखिए आपका यहाँ पर इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट और आउटपुट सिस्टम के विषय में बताया गया है। अब इसी पूरे सिस्टम का हम यहाँ से लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो देखिए पूरे सिस्टम का हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया, देखिए टेकिंग द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एवर सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए। देखिए लैपलास ट्रांसफॉर्म लिए, ये सिस्टम जी आर टी था, क्या हो गया, जी एस हो गया। यहाँ से आर आर टी इनपुट था, ये क्या हो गया आपका आर आर ऑफ एस ड्राइविंग फंक्शन, ये लैपलास ट्रांसफॉर्म है। यहाँ से देखिए सी आर टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म लिए तो क्या हो गया, सी आर एस, इसे रिस्पॉन्स फंक्शन भी कहते हैं। और जी आर एस को क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। तो आइए यहाँ से हम ट्रांसफर फंक्शन इसका जो है, ये देखिए यहाँ से इसका हम लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। ये देखिए बी एम कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब यहाँ पर लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो कांस्टेंट ही होगा। ये देखिए बी एम, और यहाँ से देखिए डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म एस होता है। तो देखिए एस के पावर एम हो जाएगा, यहाँ से देखिए एस एस के पावर एम, यहाँ से आर ऑफ टी है, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस हो जाएगा प्लस यहाँ से देखिए बी एम माइनस वन, यहाँ देखिए बी एम माइनस वन है, यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो वैसे ही उतरेगा। यहाँ डी ओवर डी टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म एस है तो एस हो गया। यहाँ से देखिए एम एम माइनस वन पावर क्या है, एम माइनस वन, तो यहाँ भी पावर एम माइनस वन हो जाएगा। यहाँ से आर ऑफ टी है तो ये क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस। यहाँ देखिए प्लस सोसोसवान, यहाँ से देखिए बी वन आपका एक कांस्टेंट है तो बी वन यहाँ उतार लिया, बी वन हो गया। यहाँ डी ओवर डी टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एस, यहाँ आर ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म आर ऑफ एस प्लस यहाँ देखिए बी नॉट आर ऑफ टी है तो यहाँ बी नॉट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लिख लिया। यहाँ से आर आर ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, आर ऑफ एस हो गया।
तो अब देखिए उसी तरह हमें आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है। तो देखिए यहाँ से आउटपुट का लिख लेते हैं, ये देखिए ए एन डी के पावर एन डी टी ओवर डी टी पावर एन सी आर टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे। देखिए ए एन यहाँ पर कांस्टेंट है तो ए एन को यहाँ उतार दिया, डी ओवर डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा एस होगा, और पावर एन है तो यहाँ पावर एन लगा दीजिए। यहाँ से देखिए सी आर टी है, सी आर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सी आर टी होगा प्लस यहाँ पर एन एक ए एन माइनस वन डी के पावर एन माइनस वन ओवर डी टी के पावर एन माइनस वन सी आर टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए ए माइनस वन क्या है आपका कांस्टेंट है तो यहाँ कांस्टेंट लिख दिया, डी ओवर डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस होगा, एस के पावर एन माइनस वन यहाँ देखिए सी आर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सी आर एस होगा प्लस वन और टू तक। यहाँ देखिए अब ए एन भी आपका कांस्टेंट है, यहाँ उतार लीजिए ए एन कांस्टेंट, डी ओवर डी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस होगा, यहाँ देखिए सी आर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सी एस होगा, यहाँ प्लस ए नॉट सी आर टी, ए नॉट देखिए ए नॉट है तो ए नॉट कांस्टेंट उतार लिया, सी आर टी है तो सी आर सी आर एस हो गया। तो देखिए यहाँ इनपुट और आउटपुट का हमें रिलेशन प्राप्त करना है तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से आउटपुट को यहाँ देखिए आउटपुट है यहाँ लिख लीजिए, इसमें से सी एस कॉमन कर लीजिए क्योंकि सी एस सभी में है, ये देखिए आउटपुट सभी में है तो यहाँ से लिख लीजिए ए एन एस के पावर एन, ये देखिए ए एन एस के पावर एन सी एस को कॉमन कर लिया यहाँ से, ये देखिए प्लस ए एन माइनस वन एस के पावर एन माइनस वन, ये देखिए ए एन एस के पावर ए एन माइनस वन एस के पावर एन माइनस वन यहाँ से सी एस कॉमन कर लिया। अब देखिए यहाँ से ए वन सोसोसवान अप टू ए वन एस और सी एस को कॉमन कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ से देखिए ए नॉट सी एस है तो ए नॉट सी एस कॉमन कर लिया, ये क्या हो गया आपका आउटपुट। और यहाँ से देखिए इनपुट का देखिए इज इक्वल टू इनपुट का, यहाँ से बी एम एस के पावर एम प्लस बी एम माइनस वन एस के पावर एम माइनस वन, तो देखिए यहाँ बी यहाँ पर सेम लिखना है आर एस को कॉमन कर लेना है, देखिए आर एस इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है यहाँ तक है तो यहाँ कॉमन कर लिया और इक्वेशन को ऐसे ही उतार दिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमें ट्रांसफर फंक्शन प्राप्त करना है तो हम जानते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट फंक्शन टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट फंक्शन रेशियो दोनों का होगा और यहाँ पर सभी इनिशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से इसको यही रहने देंगे, यहाँ से आर एस से देखिए आर एस है आर एस से सी एस में भाग देंगे, यहाँ पर देखिए सी एस अपॉन आर एस तो ए हो गया, ए इस साइड चला गया देखिए यहाँ पर लिख दिया गया, तो यहाँ पर देखिए बी एम एस के पावर एम प्लस बी एम माइनस वन एस के पावर एम माइनस वन प्लस वन अप टू यहाँ से बी वन एस प्लस बी नॉट अपान यहाँ से देखिए ओवर में क्या है ए एन एस के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एस के पावर एन माइनस वन प्लस वन अप टू ए वन एस प्लस ए नॉट, यहाँ देखिए यह क्या है यह देखिए यहाँ से यह न्यूमरेटर है न्यूमरेटर पॉलीनोमियल है, इसे क्या कहेंगे न्यूमरेटर पॉलीनोमियल, इसे क्या कहेंगे डिनोमिनेटर पॉलीनोमियल। तो यहाँ से देखिए कह रहा है कि अगर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर न्यूमरेटर का जो ऑर्डर होगा ये देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ एस ये देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ एस न्यूमेरिक ऑर्डर यहाँ पर हाईएस्ट पावर जितनी होगी उसके उसका ऑर्डर कहेंगे, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होगा एनथ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर न्यूमरेटर इसका ऑर्डर इससे कम हो जाए, देखिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का ऑर्डर अगर कम होता है तो उसे क्या कहते हैं स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन क्या कहेंगे। अगर यह कम हुआ देखिए ऊपर का न्यूमरेटर कम हुआ डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो उसे क्या कहेंगे स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। अगर देखिए अगर यहाँ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो गया, अगर न्यूमरेटर का ऑर्डर ऑर्डर यहाँ डिनोमिनेटर के ऑर्डर के बराबर हो गया तो क्या कहलाएगा प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। अगर यहाँ पर न्यूमरेटर का देखिए न्यूमरेटर का ऑर्डर एम है और इसका ऑर्डर एन है, अगर दोनों बराबर हो जाए तो इसको क्या कहेंगे प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे। अब देखिए यदि यहाँ पर न्यूमरेटर का यहाँ पर ऑर्डर ज्यादा हो जाए इसके देखिए डिनोमिनेटर के ऑर्डर से डिनोमिनेटर पॉलीनोमियल के ऑर्डर से इसका ऑर्डर अगर ज्यादा हो जाता है तो यहाँ क्या होगा इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन।
अगर इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है तो उसे हम प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, भाग देकर। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर तीन कंडीशन मैंने बताई और डिफरेंट टाइप के ट्रांसफर फंक्शंस हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका देखिए डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, लेकिन आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो कर दीजिए। देखिए इसके बराबर जीरो कर देंगे तो देखिए ए एन एस की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एस की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू ए वन एस प्लस ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसे क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन। मैं आशा यह करता हूं कि आपको यह ट्रांसफर फंक्शन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।